उत्तराखंड में धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। आज प्रदेश में कोरोना का 4,807 नया मामला सामने है, जैके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,34,012 होगी, जबकि यहां से मरने वालों की संख्या 1,953। प्रदेश में दिनों दिन कोरोना का मामला बढ़ना चल, जैका कारण आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावतन मंत्रियों दगड़ी आपात बैठक करी। बैठक में सीएम बोली कि कोरोना से लड़ाई जितना सभी थे प्रयास करने जरूरत है। बैठक में सीएम निजी अस्पतालों में 70% बेड आरक्षित करना निर्देश भी देनी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेनी। राज्य सरकार ने प्रदेश का सभी सरकारी कार्यालयों थे अगला 3 दिन तक बंद करना आदेश जारी करें। अगला 3 दिन में प्रदेश का सभी सरकारी कार्यालयों थे सैनिटाइज करे जालो, जैसे कोरोना संक्रमण का प्रसार थे कम करे जा सकदो। काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा भी कोरोना पॉजिटिव है। विधायक चीमन जानकारी दे कि कोरोना पॉजिटिव होना बाद उन हफ्ते होम आइसोलेट करे ली। उन अपना संपर्क में आया लोगों से जांच करवाने अपील भी करी। बताया दिया कि कुछ दिन पहले ही उनकी बारी भी कोरोना पॉजिटिव है छे। बाबा रामदेव का योगपीठ, योगग्राम और आचार्य कुलम में 83 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सैंपलिंग रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य विभाग बाबा रामदेव से भी कोरोना टेस्ट करवाने बातचीत कर सकदो। सीएमओ शंभुनाथ झा ने बताया कि 10 से 21 तारीख तक का डाटा उन्हें मिली छो, जहां पतंजलि में 83 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी थे आइसोलेट करी जांच किए जानी छ। नरेंद्रनगर में हरिद्वार कुंभ ड्यूटी से लौटे पीटीसी का 15 सीओ रैंक का ट्रेनी ऑफिसरों में से 12 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है, जैके बाद पीटीसी नरेंद्रनगर सहित पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल छ। वकी अभी 15 में से 3 ऑफिसरों की रिपोर्ट ऑन बाकी छ। कोविड का बढ़ता मामलों थे देखी कोविड सेंटर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्रनगर में भी व्यवस्था दुरुस्त करेगी। देश में ऑक्सीजन की कमी का बीच आज राजधानी बटी एक अच्छी खबर सामनी है। देहरादून का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम हवा से ऑक्सीजन बनाने वाली मशीन तैयार कर ली। IIP का वैज्ञानिकों का हिसाब से ई मशीन से 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन बन जाती। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये दौर में यह ऑक्सीजन काफी कारगर साबित होली। उत्तरकाशी जिला का गंगोत्री विधानसभा का विधायक गोपाल रावत का गुरुवार को निधन हुई। गोपाल रावत लंबे समय से कैंसर से पीड़ित था। हाल ही में उन्हें पीलिया की शिकायत के बाद देहरादून का गोविंद अस्पताल में भर्ती करेगी छो, जखों को निधन वेगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निधन पर दुख जताए। उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड थे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमस से अनुमति मिल गई। इनमें अब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री थे विदेशों बटी भी चंदा या अनुदान दिए जा सकदो। अभी तक उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड थे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम से अनुमति नहीं मिली है, जैके कारण उन्हें बड़ी परेशानी होनी छे। हरिद्वार का सिडकुल स्थित हेवल्स फैक्ट्री में गुरुवार दिन में अचानक आग लगी। आनंद फानन में लोखुन फायर ब्रिगेड थे आग लगने जानकारी दी, जैका बाद मौका पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम बमुश्किल आग पर काबू पाए। आग लगने से फैक्ट्री में लाखों को नुकसान वेगी। फिलहाल आग लगने कारणों को पता नहीं चल सकी।